दो हार मिलते ही भागे पैट कमिंस, तो अब ये संभालेगा ऑस्ट्रेलिया की कमान। दो टेस्ट में लगातार हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बदला अपना कप्तान। कप्तान बदलने के बाद अब क्या तीसरा टेस्ट जीत पाएगा ऑस्ट्रेलिया? भारत के खिलाफ सीरीज में पिछड़ चुकी ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के कप्तान पैट कमिंस इंदौर टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे, वे अपने घर सिडनी में फैमिली के साथ ही रहेंगे। भारतीय टीम ने नागपुर में पारी के अंतर से मेहमान टीम को हराया था, तो दिल्ली में दबंगई दिखाते हुए धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इस तरह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मेजबान टीम ने 2-0 की अजय बढ़त ले ली है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस अपनी बीमार माँ की देखभाल के लिए ऑस्ट्रेलिया लौटने के बाद भारत के खिलाफ तीसरा टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह उप कप्तान स्टीव स्मिथ को 1 मार्च से शुरू होने वाले इंदौर टेस्ट में कप्तान नियुक्त किया गया है। पैट कमिंस ने अपने बयान में कहा, मैंने इस समय भारत नहीं लौटने का फैसला किया है क्योंकि मेरी माँ बीमार है, मुझे उनकी देखभाल करनी है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ अपने परिवार के साथ सबसे अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और मेरे साथियों से मेरे समर्थन की सराहना करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। इस बीच दूसरे टेस्ट के बाद अपनी पत्नी दानी के साथ दुबई में 4 दिन बिताने वाले स्टीव स्मिथ गुरुवार को दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ शामिल हो गए हैं। ये तीसरी बार होगा जब स्टीव स्मिथ ने 2021 में उपकप्तान के रूप में अपनी बहाली के बाद से टेस्ट टीम का नेतृत्व किया है। बता दें, पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया टीम की कमान संभालेंगे। स्टीव स्मिथ पहले टीम के कप्तान ही थे, लेकिन सैंड पेपर विवाद के चलते स्मिथ को कप्तानी से हटा दिया गया। हालांकि वापसी के बाद से वो 2 बार टीम की कमान संभाल चुके हैं। इंदौर में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट 1 मार्च से खेला जाएगा। भारत टेस्ट सीरीज में 2-0 से आगे है और एक और जीत उसे सीरीज में तो जीत दिला ही देगी, साथ ही वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी कर लेगा। ऑस्ट्रेलिया टीम के कई खिलाड़ी चोट के चलते वापस वतन लौट गए हैं। डेविड वार्नर कोहनी के चलते टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। हेजलवुड बिना मैच खेले ही टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। मैथ्यू रेनशो भी चोट के चलते ऑस्ट्रेलिया लौट चुके हैं। एस्टन एगर को भी टीम से रिलीज कर दिया गया। अब उनके कप्तान पैट कमिंस भी तीसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे, जो इस टीम के लिए बेहद बुरी खबर है। वैसे तीसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को अच्छी खबर भी मिली है। पहले 2 टेस्ट मैचों में चोट के चलते नहीं खेलने वाले कैमरन ग्रीन अब टीम के लिए वापसी कर सकते हैं। ग्रीन ने बताया कि वो 100% फिट हैं और इंदौर टेस्ट में खेल सकते हैं। मिचेल स्टार्क के भी इंदौर टेस्ट में खेलने की उम्मीद है। भारत में 2 करारी हार के बाद से ऑस्ट्रेलिया टीम की काफ़ी आलोचना हो रही है, खासकर स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस की। कमिंस गेंद और स्मिथ बल्ले से बुरी तरह फ्लॉप रहे। स्मिथ अपने बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी दिग्गज खिलाड़ियों के निशाने पर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि स्मिथ टीम को बाउंस बैक करा पाते हैं नहीं। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।